हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका क्लास सेकंड में जो पेज नंबर 1213 पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर रिवीजन चल रहा है उनका माय फ्रेंड द सन चैप्टर 2 है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर सेकंड आपका है माय फ्रेंड मेरा मित्र द सन स्टोरी। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कहा इसका जो है आपका फिल द ब्लैंक, ये लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्लैंक फ्रॉम द वर्क बिलो, ये आपको करवाया गया था। और इसमें आपका कंपास चेकअप में आपका ए कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग वर्ड फ्रॉम बॉक्स, बॉक्स में जो है कुछ वर्ड दिए गए थे आपको, उसमें से वर्ड को चुन करके आपको ये फिल द ब्लैंक को कंप्लीट करना था। और बी आपका एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 12 पे एंसर तो हमारे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन थे ये आपको जो है होमवर्क करने के लिए कहा गया था। उम्मीद है बेटा कि इसको जो है आप 5 जो क्वेश्चन दिया गया था उसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और आज जो है इसमें आ गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ड इज एन एडवर्ब, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ड जो शब्द जो कि क्या करता है डिस्क्राइब करता है या क्या करता है किसका एक वर्ब का एक क्रिया का उसे क्या कहते हैं एडवर्ब। क्रिया का विशेषण जो कहता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में ही रन फास्ट। ठीक है, अब देखेंगे एडवर्ब है एडवर्ब का एडवर्ब That describes a word. That describes a word is an adverb. जैसे a word that describes a word that describes describes A word is an adverb. ठीक है बेटा, यानी एक शब्द जो है ऐसा शब्द एक शब्द जो क्या करता है डिस्क्राइब करता है व्याख्या करता है क्या एक वर्ड का एक क्रिया का व्याख्या करता है उसे क्या करते हैं एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप एग्जाम्पल देखेंगे दादाजी रन फास्ट। ठीक है, यानी वह तेज दौड़ता है ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक बेटा, तो ये रन का क्या है क्रिया है दौड़ता है क्रिया दौड़ना। ठीक है, ये रन क्या बेटा क्रिया ऐसा वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे इस वर्ब का यह क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब जो है यह फास्ट क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है। ये फास्ट क्या होगा आपका एडवर्ब होगा, ये फास्ट क्या होगा आपका एडवर्ब या विशेषण। ठीक है, इस वर्ब की यह जो है विशेषता बता रहा है, यह आपका वर्ब है और यह क्या है इस डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, डिस्क्राइब वर्ड यानी कि इस वर्ब की यह क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है क्या कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं एडवर्ब। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को शब्द को क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही रन फास्ट तेज दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है तेज दौड़ता है दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ने की क्रिया दौड़ने का कार्य हो रहा है वो कैसा है तेज हो रहा है। ठीक है, तेजी से दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, वह तेजी से दौड़ता है और तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना क्रिया है कैसे दौड़ता है तेज, तो तेज होगा फास्ट होता होगा था एडवर्ब होगा। ठीक है, लिखना लिखती है कैसा बैटरी यानी भत्ता। ठीक है, वो जो है भत्ता लिखती है बैटरी। तो यहाँ से राइट आपका बना वर्ग है, राइट जो है आपका वर्ग है क्रिया है और उस वर्ग की विशेषता क्या है
बता दीजिए है बैटरी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उसका नंबर है कि एडवर्ब मोस्टली इन विद एल वाई एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है जो एडवर्ब होते हैं मोस्टली अधिकतर मोस्टली जो है अधिकतर से समाप्ति कैसे होती है एल वाई से बेटा उसकी समाप्ति कैसे होती है लास्ट में एल वाई है बैठती है याद नहीं है क्रिया भी एडवर्ब है लेकिन अधिकतर मोस्टली जो है एडवर्ब की समाप्ति जो होती है इन पे होता है उससे होता है एल वाई से होता है। ठीक है बच्चों, एल वाई से होता है यहाँ पे आपको एडवर्ब बताया गया इसके बाद जो है आपका इंग्लिश संबंधी जो है आपका सी है अंडरलाइन द एडवर्ब सी में आपका करना क्या अंडरलाइन द एडवर्ब यानी एडवर्ब को आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, ठीक है अंडरलाइन द एडवर्ब एडवर्ब को जो है आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट देखेंगे सना ड्रॉ नीटली यानी कि सना जो है ड्रा करती है यानी चित्र खींचती है। ठीक है, ड्रा करना मतलब खींचना। ठीक है, वह ड्रा करती है सना जो है ड्रा करती है तो ड्रा पता क्या है खींचना ये वर्ब है और इस वर्ब की क्या विशेषता है नीटली यानी कि वह कैसे ड्रा करती है साफ सुथरा। ठीक है नीटली, ठीक है वह जो है साफ सुथरा जो है ड्रा करती है गला खींचती है चित्र खींचती है। ठीक है, तो यहाँ से नीटली बेटा क्या जाएगा आप देखेंगे इसकी समाप्ति जो है इंड जो है वर्ड का इंड जो है आपका एल वाई से हो रहा है तो बेटा एल वाई से बताया गया है कि एडवर्ब मोस्टली इंड विद एल वाई तो यहाँ से यह नीटली में क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा नीटली क्या होगा एडवर्ब। ठीक है, सेकंड देखेंगे आप जेब्रा वॉक स्लोली जेड बी आर ए जेब्रा वॉक डब्ल्यू ए एल ए वॉक स्लोली ठीक है जेब्रा वॉक स्लोली यानी कि जेब्रा जो है वॉक मीन चलता है चलता है कहते स्लोली वॉक आपका वर्ब है और चलना टहलना और कहते स्लोली यानी कि धीमा धीमे से धीमी गति से। ठीक है, धीमे धीमे जो है धीरे धीरे जो है वह चलता है ना चलता है जेब्रा जो है धीरे धीरे चलता है स्लोली रोहन ड्रेसेस स्मार्टली स्मार्टली है अच्छा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या स्मार्टली ठीक है आपका स्मार्टली जो आपका एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद आपका है
4, the teacher was looking at angrily.
एक वर्ग का दूसरा है टास्क। यहाँ दिया था TASK ठीक है। तो टाक का लिखेंगे बेटा टाकली टाक टाकली TASK टाकली हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका टाक टेबली TASK TABILY TASK TABILY आपका टाक टेबली और टाक ये हो जाएगा आपका क्लीन स्लिप कर लेंगे इसमें तो स्लिप का हो जाएगा आपका स्लिप नेटली या डबल डबल एम पी या डबल एम या डबल डबल पी पी एल सी डबल एस एल वन ठीक है। स्लिप नेटली या सीआर डबल ई पी एल सी डबल एस एल सी डबल एस एल वन स्लिप नेटली ये हो जाएगा आपका या सीआर डबल ई पी एल के बारे में एल वाई सी प्लस ली और एक तो आ जाएगा स्लिप लिंकली स्लिप लिंकली या सीआर डबल सी पी एल आई एन जी एल एन जी एल वाई स्लिप लिंकली ठीक है। स्लिप लिंकली स्लिप लिंकली और एक तो आ जाएगा स्लिप लिंकली ठीक है बेटा। ये आपका स्लिप का हो जाएगा स्लिप का इस्तेमाल करेंगे आपके रन है टास्क और स्लिप ये आपके वर्ग है और इस वर्ग का जो आपको दो दो एडवर्ब लिखना है दो एडवर्ब लिखना है ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा रन रनली और एक हो जाएगा रनली और स्लिप का हो जाएगा स्लिप बेसली और स्लिप लिंकली स्लिप लिंकली ये हो जाएगा एंड टास्क के लिए एंड टास्क के लिए क्लियर एंड टास्क के लिए। उसके बाद एक और है ई एक है आपका विजुअल इसका और एक आपका इसका और एक और एक आपका चलो चलो मेरा सेकंड दो आपका इसका और आपका और एक आपका हंडली आपका और एक हो जाएगा आपका हथेली का और एक आपका हो जाएगा हार्डली की हार्डली HARDLY HARDLY हार्डली ई ठीक है। इस तरह से जो है आपका राइट टू एडवर्ब्स फॉर ईच वर्ब प्रत्येक वर्ब के जो है आपको दो दो एडवर्ब लिखने थे कंप्लीट कर लेंगे और फिर वर्ब से जो लिखना गया है इसको आप जो है राइट कर लेंगे ठीक है बेटा। इसके बाद आपका लिखने दिया है कि वर्ब इंस्पायर आर्क फॉर एक्टर क्वेश्चन लाइक दिस का हु इज दीपू यहाँ से आप देख रहे हैं तो हु इज दीपू कौन है
तो कह रहा है ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। और यहाँ पे हु आर राम एंड श्याम, हु आर राम एंड श्याम यानी राम और श्याम कौन है, तो यहाँ कह रहा है दे आर स्टूडेंट, वे क्या है, वे विद्यार्थी है, वे तो क्या, वे क्या है, वे क्या है, विद्यार्थी है। राम एंड श्याम है प्रेम का, आप देख रहे हैं, तो वे क्या है मतलब विद्यार्थी। ऐसे ही करा है टास्क अबाउट दिस पीपल, आप जो है इन दो जो आपके दोस्त को जो दिया गया, जैसे एक्टर है, पायलट है, राइटर, पोस्टमैन और पुलिसमैन, ठीक है, इसके बारे में जो आपको बात करना है। आपका लिस्टिंग लिस्टिंग दिया था बेटा, और इसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग भी आपका यह दिया है, कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग दिस स्टार्टिंग वर्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये आपका जो है इसमें स्टोरी दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव के साथ में सब से जो है आपको जिस एडजेक्टिव में दिए गए हैं इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका यफ जो है कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।